सोनार एक यंत्र है। मैं बता दूं आपको थोड़ा सा सोनार के बारे में। सोनार एक यंत्र है जिसका यूज समुन्दर के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट जो छुपा रहता है या पनडुब्बी समुन्दर के अंदर रहता है तो उसका पता लगाने के लिए। कैसे पता लगेगा? सोनार के द्वारा उच्च प्रास्रव्य ध्वनि तरंग उत्पन्न किया जाता है। उच्च प्रास्रव्य ध्वनि तरंग, ध्यान रखिएगा, सोनार के द्वारा कौन से ध्वनि तरंग उत्पन्न किया जाता है? तो उच्च प्रास्रव्य ध्वनि तरंग है, ठीक है, उच्च प्रास्रव्य ध्वनि तरंग है। एक होता है जय हिंद दोस्तों, आज हम फिर आप लोगों के लिए 5 क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा भी गया है, ठीक है। तो इसमें बहुत ऐसा स्टूडेंट है जो करके भी आते हैं और बहुत ऐसा स्टूडेंट है जो तुक्का लगा के आते हैं और वो गलती करके आते हैं करने में, तो उसको देखते हैं बारीकी से कि उसको आखिर कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि वो क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आगे आने वाले एग्जाम में कई बार पूछा जाएगा, तो उसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले बता दूँ कि अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर रेलवे से जुड़ी इन्फॉर्मेशन और साथ में प्राइस रिलेटेड टिप्स भी दिया जाएगा। तो आइए देखते हैं 5 क्वेश्चन वो क्या क्या है। ये कह रहे हैं कि एक माध्यम जिसका अपवर्तन सूचकांक 1.5 है, ठीक है, में प्रकाश की गति डैश है। कह रहे जैसे पहले मैं आपको बता दूं, आप लोगों को पता होगा जब प्रकाश की गति, प्रकाश की किरणें जब चलती है तो उसको कई सारे माध्यम यानी कई सारे उसको परत से होकर गुजरना पड़ता है। वायुमंडल में कितने परत है? आप लोग ज्योग्राफी में पढ़े होंगे, वायुमंडल में 5 परत है, ठीक है। तो कह रहा है कि एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाता है या फिर माध्यम का अगर बात कर रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि जब निर्वात से हवा में प्रवेश कर गया या फिर पानी में प्रवेश कर गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये क्या हो गया, निर्वात से आया, ये जल में आ गया, तो ये हो गया फर्स्ट माध्यम, ये हो गया पहला माध्यम, ये हो गया सेकंड माध्यम, ये हो गया सेकंड माध्यम। तो कह रहा है कि जब एक माध्यम से जिसका आवर्तन सूचकांक 1.5 है, समझ लीजिए इसका आवर्तन सूचकांक 1.5 है। अवर्तन सूचकांक 1.5 किसका होता है? कांच का होता है, याद रखिएगा, कांच का होता है। किसका होता है? कांच का अवर्तन सूचकांक 1.5 होता है, यानी कि कांच का दिया हुआ है। ऐसा साफ नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक माध्यम जिसका अवर्तन 1.5 है यानी कांच का दिया गया है अवर्तन 1.5 में प्रकाश की गति कितना होगा, यानी कांच में प्रकाश की गति क्या होगा। तो आइए देखते हैं कांच में प्रकाश की गति क्या होगा। देखिए कह रहा है कि देखिए अवर्तनांक कितना दिया है, अवर्तनांक कितना दिया है, अपवर्तन सूचकांक कितना दिया है, सूचकांक कितना दिया है 1.5। याद रखिए किसका है ये अपवर्तन सूचकांक, ये भी पूछता है, कांच का है ये, ठीक है, ये लिखा नहीं है ऐसा, ठीक है, ये कांच का अपवर्तन सूचकांक कितना है 1.5 है। देखिए अगर आपको ये चीज पता है कि ये कांच का अपवर्तन सूचकांक 1.5 है तो आपको निकालने का कोई जरूरत नहीं है। जी हाँ, आपको निकालने का बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं आंसर को, क्योंकि हम बताए हैं कि कांच में जो प्रकाश का चाल होता है वो 2×10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। कांच में प्रकाश का चाल 2×10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। अब कांच में भैया कैसे आप सोचे कि कांच में ही पूछ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आवर्तन सूचकांक जो दे रखा है वो कांच का दे रखा है, कांच का आवर्तन सूचकांक 1.5 दे रखा है, इसीलिए ये कांच में प्रकाश का चाल पूछ रहा है, तो कांच में प्रकाश का चाल 2×10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। आइए निकालते हैं इसको, देखो अवर्तनांक बराबर होता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। ये एकदम ये आप याद रख लीजिए कि अवर्तनांक बराबर जो फॉर्मूला होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है। तो कह रहा है ना कि प्रकाश की गति डैश है, किसमें, माध्यम में पूछ रहा है, तो माध्यम को इधर ला दो क्या हो जाएगा, माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर क्या हो जाएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल, हम शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है, समझ लेना निर्वात में प्रकाश की चाल बटे अपवर्तनांक, क्या होगा, अपवर्तनांक,
ठीक है, समझ लेंगे। निर्वात में प्रकाश के चार बटे क्या होगा, अपवर्तनांक, ठीक है, इसको मिटाते हैं, ठीक है ना। तो देखो निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है, ये चीज तो आपको पता है, निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है, 3×10^8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अवर्तनांक कितना दिया है, 1.5 दिया है, कितना दिया है, अब 1.5, देखो इसको पॉइंट उड़ाओगे, यहाँ पे जीरो रखोगे, 15×30 कितना निकला, 2 निकला, यानी कि 2 इधर कितना है, 10^8 मीटर पर सेकंड, कितना निकला, 2×10^8 मीटर पर सेकंड। जैसा कि हम शुरू में ही बताया कि ये जो अपवर्तन सूचकांक दे रखा है ये कांच का है, ये लिखा नहीं, अगर लिखता तो कैंडिडेट डायरेक्ट आंसर क्लिक कर देता, ये लिखा नहीं, आपको फंसाने के लिए लिखा है कि अपवर्तन सूचकांक 1.5 है, तो आपको याद रखना है कि ये कांच का होता है। अगर ये याद रहेगा तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कांच का जो चाल होता है 2×10^8 मीटर पर सेकंड जो फाइनली आपका आंसर यहाँ पे निकला ये आप डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। वैसे अगर आपको निकालना है तो अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, तो अपवर्तन माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर क्या हो जाएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल, ये इधर आ जाएगा अपवर्तनांक, ठीक है। इस प्रोसेस से आप इसको निकालोगे। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है बादलों का रंग सफेद डैश के कारण होता है, बादलों का रंग सफेद किसके कारण होता है। देखो आरआरबी ग्रुप डी 18/9/18 यानी 2018 में जो एग्जाम हो रहा था उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ये शिफ्ट 2 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बादलों का रंग सफेद किसके कारण होता है, प्रकाश के प्रकीर्ण के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, या प्रकाश के परावर्तन के कारण, या प्रकाश प्रकाश के परावर्तन के कारण, तो किसके कारण, तो आप बोलेंगे प्रकाश के प्रकीर्ण के कारण। कैसे होता है, देखो जैसा कि बोला है कि वायुमंडल में बहुत सारे कण होता है, ठीक है, बहुत सारे कण उपस्थित होता है वायुमंडल में। जब प्रकाश की किरणें चलती है, जैसे ही इस कण पर पड़ेगा, क्या होगा, ये चारों दिशाओं में बिखर जाता है, प्रकाश की जो किरणें हैं चारों दिशाओं में बिखर जाता है, और इसमें से वो किरण सबसे ज़्यादा बिखरेगा जिसका कि वेवलेंथ कम होता है, यानी कि तरंगदैर्ध्य कम होता है। जिस किरण का वेवलेंथ कम होगा वो किरण ज़्यादा बिखरेगा, और जिस किरण का वेवलेंथ ज़्यादा होगा वो किरण कम बिखरेगा, क्योंकि उसका जो भेदने की क्षमता होती है वो ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर कह रहा है जैसा कि प्रकाश का रंग सफेद डैश के कारण होता है। देखो प्रकाश का रंग सफेद डैश के कारण होता है, प्रकाश का रंग सफेद किसके कारण होता है, प्रकाश के प्रकीर्ण के कारण। देखो इसमें एक चीज और हमको देखना है कि जब प्रकाश की किरणें किसी कण पर पड़ती हैं तो चारों दिशाओं में बिखर जाती है, कोई विशेष रंग हमारे आंखों तक नहीं पहुंच पाती है, जिसके कारण कि उसका कोई मतलब कि वो रंगहीन हो जाता है, रंगहीन हो जाता है। इसके कारण बोलते हैं कि प्रकाश के प्रकीर्ण के कारण वो क्या होता है, सफेद दिखता है। देखो कोई भी ऑब्जेक्ट किस कलर का दिखेगा ये उस ऑब्जेक्ट पे निर्भर करता है कि वो कौन से कलर को रिफ्लेक्ट करता है, यानी कौन से कलर को हमारे तरफ भेज रहा है। कोई ऑब्जेक्ट अगर जैसे क्या होता है, प्रकाश के किरण में कितना है, 7 किरण है, 7 को पाया जाता है, 7 कलर रंग पाया जाता है, तो 7 कलर में ये डिपेंड करता है कि वो किस कलर को ऑब्जर्व करता है, किस कलर को रिफ्लेक्ट करता है। अगर वो 7 को 7 ऑब्जर्व कर लेगा तो वो काला दिखेगा, अगर उस 7 में से कोई एक रिफ्लेक्ट कर देगा तो वो उस वही कलर दिखेगा। इसलिए अगर ये पेन व्हाइट हमको दिख रहा है तो इस पेन पे निर्भर करता है कि ये किस कलर को हमारे तरफ रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। अगर ये लाल दिख रहा है तो इस पे डिपेंड कर रहा है कि ये किस कलर को हमारे तरफ रिफ्लेक्ट कर रहा है। देखो इस पे प्रकाश की किरणें पड़ी, उसके बाद रिफ्लेक्ट होकर के हमारे आंखों तक आया, तो ये डिपेंड करता है कि किस कलर को हमारे आंखों तक रिफ्लेक्ट कर रहा है, परावर्तित कर रहा है। जौन से कलर को हमारे आंखों तक परावर्तित करेगा वही पेन का रंग वैसा ही दिखेगा। तो उस ऑब्जेक्ट पे निर्भर करता है कि वो ऑब्जेक्ट कौन से कलर को परावर्तित कर रहा है, कौन से कलर को अवशोषित कर रहा है। वो पूरा अवशोषित करेगा तो वो काला दिखेगा, और जिस कलर को परावर्तित करेगा वो वैसा दिखेगा, ठीक है। तो प्रकाश के प्रकीर्ण के कारण, प्रकाश के प्रकीर्ण में क्या होता है, सारी किरणें क्या होते हैं, बिखर जाती है, जिसके कारण वो रंगहीन हो जाता है, और उसके कारण क्या होता है, आकाश का रंग सफेद दिखता है, बादल का रंग सफेद दिखता है, बादलों का रंग सफेद होता है, ठीक है। आगे दो क्वेश्चन कर रहा है, किस साल में ओले रोमर ने प्रकाश की गति को इतिहास में पहली बार मापा था। देखो प्रकाश की गति को इतिहास में पहली बार मापा था, क्वेश्चन देखो आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 फर्स्ट शिफ्ट में 2016 में जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया है। देखो प्रकाश की गति को पहली बार मापा गया था, उससे पहले जो है प्रकाश की गति को अनंत माना जाता था, कि इसका जो गति है, स्पीड है, अनंत है, इसका कुछ मतलब एक अनुमानित गति नहीं है। लेकिन
ओले रोमर ने साबित कर दिया माप के कि नहीं, प्रकाश का गति भी फिक्स है, जो कितना निकला 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। कितना निकला? 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। किसने दिया? ओले रोमर ने दिया। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हो सकता है आगे आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है कि हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है, क्यों? प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के अवर्तन के कारण, या प्रकाश के प्रकीर्ण के कारण? अभी जस्ट हम आपको बताएं, अगर आप समझे हैं ढंग से सुने तो आप इसको ढंग से इसके आंसर को क्लिक कर पाएंगे, यानी कि इसका आंसर आप गलत नहीं करेंगे। और देख रहे हैं ये NTPC 4/4/16 यानी 16/2016 में जब एग्जाम हो रहा था उसमें पूछा हुआ है, सिंप थर्ड में और स्टेज फर्स्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि अभी जैसा कि बोले, कोई भी ऑब्जेक्ट किस कलर का दिखेगा उस ऑब्जेक्ट पे निर्भर करता है कि वो कौन से कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। अगर वो क्या कर रहा है, घास क्या कर रहा है, हरा दिख रहा है। क्यों हरा दिख रहा है? क्योंकि वो हरा कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है, हरा कलर को क्या कर रहा है, परावर्तित कर रहा है। तो प्रकाश के परावर्तन के कारण वो घास का रंग हरा दिख रहा है। इसका जो आंसर होगा, आप बोलेंगे प्रकाश के परावर्तन के कारण, ठीक है। किसके कारण दिखाई देता है? प्रकाश के परावर्तन के कारण। हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि प्रकाश के परावर्तन के कारण। घास क्या कर रहा है? प्रकाश का परावर्तन कर रहा है, यानी कि जो उस वो हरे कलर को परावर्तित कर रहा है। घास क्या कर रहा है? हरे कलर को परावर्तित कर रहा है, जिसके कारण क्या कर घास कैसा दिख रहा है, हरा दिख रहा है। तो मैं जो रीजन है उसको, उसके क्या रीजन है, प्रकाश के परावर्तन के कारण, ठीक है। वो हरे कलर को परावर्तित कर रहा है। देखो कह रहा है कि सोनार का पूरा नाम क्या है, सोनार का पूरा नाम क्या है, और ये क्वेश्चन भैया कई बार हमको पता नहीं कितना बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। पहले देखो ये हम बता दें, RRB ग्रुप डी 26/11/2018 में जो एग्जाम हुआ है, जो शिफ्ट थर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और फिर देखो NTPC 2016 में जो एग्जाम हुआ था उसमें भी शिफ्ट थर्ड में स्टेज फर्स्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो आप लोग छांटते हो ना क्वेश्चन, अभी देखो आप लोग छांटते हो क्वेश्चन, भैया कौन सा ग्रुप डी के लिए है और कौन सा NTPC के लिए और कौन सा ALP के लिए है। अब बताओ कि जो NTPC पूछा था 16 में वो ग्रुप डी में ला दिया 18 में। देखो इसीलिए हम बोलते हैं कि आप क्वेश्चन को बिल्कुल मत छांटो, ढंग से पढ़ो, पूरा तरीके से पढ़ो, यानी पूरा नॉलेज रखो, ताकि वहाँ पर आपको प्रॉब्लम ना हो। ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि ये NTPC के लिए है तो हम क्या पढ़ेंगे, ग्रुप डी का हम तैयारी कर रहे हैं, हम तो ALP का तैयारी कर रहे हैं, भैया हम ग्रुप डी का क्या पढ़ेंगे, ऐसा बिल्कुल दिमाग में नहीं रखना आपको। सोनार का पूरा नाम क्या है? सोनार का पूरा नाम होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंगिंग। क्या होता है? रेंगिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंगिंग। साउंड SO से क्या हो गया, साउंड हो गया, नेविगेशन हो गया, A से एंड हो गया, R से रेंगिंग, याद रखिएगा, साउंड नेविगेशन एंड रेंगिंग। सोनार का यूज किसमें क्या होता है? सोनार एक यंत्र है, मैं बता दूं आपको थोड़ा सा सोनार के बारे में। सोनार एक यंत्र है जिसका यूज समुंदर के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट जो छुपा रहता है या पनडुब्बी समुंदर के अंदर रहता है, उसका पता लगाने के लिए कि वो सच में है या कहाँ पे है, उसका पता कैसे पता लगेगा? सोनार के द्वारा उच्च प्राश्रव्य ध्वनि तरंग उत्पन्न किया जाता है, उच्च प्राश्रव्य ध्वनि तरंग। ध्यान रखिएगा, सोनार के द्वारा कौन से ध्वनि तरंग उत्पन्न किया जाता है, तो उच्च प्राश्रव्य ध्वनि तरंग है, ठीक है, उच्च प्राश्रव्य ध्वनि तरंग है। एक होता है श्रव्य ध्वनि तरंग है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि प्राश्रव्य ध्वनि तरंग है, उसमें भी उच्च प्राश्रव्य ध्वनि तरंग सोनार के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, और वही ध्वनि तरंग समुद्र के अंदर भेजा जाता है, और वो ध्वनि तरंग उस पनडुब्बी से या जिस ऑब्जेक्ट का पता लगाना था उससे टकरा करके वापस प्रतिध्वनि के रूप में आ जाता है। इससे पता लग जाता है वस्तु की सही सही स्थिति कहाँ है, इससे पता लगता है, ठीक है। जैसे कि देखो सोनार से उच्च प्राश्रव्य हम लिख देते हैं, उच्च प्राश्रव्य ध्वनि तरंग उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। जैसे कि देखो क्या होता है कि ध्वनि तरंग यहां से उत्पन्न करके समुद्र के अंदर भेजा, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, ये क्या होता है, रिफ्लेक्ट होकर के वापस आ जाता है, ठीक है, रिफ्लेक्ट होकर के वापस आ जाता है। इसके कारण पता लग पाता है कि सही सही ऑब्जेक्ट की स्थिति आखिर वो किस जगह पे है,
सोनार का यूज हम बताएं, सोनार का फुल फॉर्म हो गया साउंड नेविगेशन एंड रिंगिंग, उसका कौन सा ध्वनि उत्पन्न होता है, उच्च प्रास्रव्य ध्वनि तरंग है, किस लिए उसका यूज किसमें क्या जाता है, समुन्दर के अंदर छुपी हुए पनडुब्बियों या किसी भी वस्तु की स्थिति का पता लगाने के लिए। ठीक है, उम्मीद करेंगे आप ढंग से समझे होंगे। अगर इसमें से कुछ डाउट रह गया हो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।